इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, अजाब आने वाला है हमारे ऊपर। हमें खुद पेट्रोल की कीमतें कम करवानी पड़ेंगी। यहाँ भी महंगी होती है, वो खड़े हो जाते हैं सारे, पेट्रोल भर जाते हैं हमारे लेने शुरू। भाई तुम 2 दिन के लिए बायकॉट करो, देखते हैं कैसे कम नहीं होती। अब हम 20 रुपए में जाने के लिए तैयार है, जेबें भी कट रही हैं, लाखों रुपए के मोबाइल चोरी हो रहे हैं, हजारों रुपए के मोबाइल चोरी हो रहे हैं, उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है। वो कह रहे हैं सिर्फ 20 रुपए मायने रखते हैं हमारे लिए। पेट्रोल इन्होंने रेट बढ़ा दिए, बहुत जीना हराम हो गया बंदों। पहले हम अपनी अपनी बाइक्स पे जाते थे, पर्सनल गाड़ीज पे, और लेकिन अब जो है ना बसेस वगैरह पे जाना पड़ता है और थके खाने पड़ते हैं। महंगा पेट्रोल हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर से महंगा कर दिया गया है, और हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर किए गए हैं उसके बरक्स मुल्तान के जो पेट्रोल पंप मालकान हैं उन्होंने 1 से 1.5 रुपए का इजाफा अपनी तरफ से कर दिया है। अगर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में जो है वो 26 रुपए का इजाफा किया गया है, इस वक्त मुल्तान में जो कीमत मुकर्रर है हुकूमत की तरफ से वो 331 रुपए मुकर्रर है, लेकिन जो मुल्तान में जो पेट्रोल पंप मालकान है वो 332 रुपए से लेकर 333 रुपए तक जो है फरोख्त कर रहे हैं। यही सूरत हाल जो है वो डीजल के साथ भी है। इस वक्त मुल्तान में 329 रुपए जो है डीजल फरोख्त होना चाहिए था, लेकिन उसके बरक्स जो है 1 से 1.5 रुपए का फ़र्क रख के जो है वो पेट्रोल पंप मालकान जो है वो शहरियों को फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्होंने मोटरसाइकिलें जो है उन्होंने घर में खड़ी कर दी हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस वक्त जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इस वक्त मुल्तान की 9 नंबर चुंगी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर रक्शे भी खड़े हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत चलने वाली बसें भी खड़ी हैं। जितने भी रक्शे खड़े हैं तमाम रिक्शा ड्राइवर जो है इस वक्त फ्री हैं, उनके पास सवारी नहीं है, जबकि इसके बरक्स जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर जो है शहरियों का रश लगा हुआ है, शहरियों के पास चलते हैं और उनसे जो है मजीद उनकी मुश्किलात के हवाले से जानते हैं। पैदल ही चलने का है या फिर सवारी पे, इस पर बस धक्के वगैरह पड़ते हैं। पेट्रोल इन्होंने रेट बढ़ा दिए, बहुत जीना हराम हो गया बंदों का ना, ये तो बहुत गलत किया इन्होंने। कुछ आवाम के बारे सोचना चाहिए, गरीब बंदे के बारे की भी, वो भी इंसान किस तरह से रोटी पूरी करे अपनी, और इतने रोज़गार भी नहीं है, सैलरी इतनी नहीं है। पहले हम अपनी अपनी बाइक्स पे जाते थे, पर्सनल गाड़ीज पे, और लेकिन अब जो है ना बसेस वगैरह पे जाना पड़ता है और थके खाने पड़ते हैं, बस का लेट होने का, जल्दी आने का इंतज़ार करना पड़ता है, इस वजह से बहुत तंग आ चुके हैं। पहले मोटरसाइकिल पे आते थे, अब बसों पे थके खाने पड़ते हैं। किराया तो कम है लेकिन थके खाने की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें जलील और ख्वार होना पड़ता है महंगाई की वजह से। पहले हम बाइक यूज़ करते थे, अब हमें ये मेट्रो और वीडा यूज़ करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत रश होता है और टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब हमें खुद पेट्रोल की कीमतें कम करवानी पड़ेंगी। जो बाहर के ममालिक जब भी कोई भी चीज़ महंगी होती है ना, वहाँ पे सारी आवाम लेना बंद कर देती है, एहतियात करती है, छोड़ देती है वो चीज़ लेनी। यहाँ भी महंगी होती है, वो खड़े हो जाते हैं सारे, पेट्रोल भर जाते हैं हमारे लेने शुरू। भाई तुम 2 दिन के लिए बायकॉट करो, देखते हैं कैसे कम नहीं होती। आप 2 दिन के लिए बायकॉट करिए, आवाम को सुधरना चाहिए, हुकूमत सुधरेगी नहीं है, जब आवाम सुधर जाएगी हुकूमत सुधर जाएगी। आवाम 20 रुपए में जाने के लिए तैयार है, क्यों जेबें भी कट रही हैं, लाखों रुपए के मोबाइल चोरी हो रहे हैं, हज़ारों रुपए के मोबाइल चोरी हो रहे हैं, उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है। वो कह रहे हैं सिर्फ 20 रुपए मायने रखते हैं हमारे लिए। इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, मैं कहता हूँ पता नहीं कोई अजाब आने वाला है हमारे ऊपर, क्या बात है। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को कोई अच्छी हिदायत दे। मैं मोटरसाइकिल पर आता था केलेवाल से 4 साल पहले 5 साल पहले 200 रुपए में मुल्तान से होके चला जाता था। अब पिछली मरतबा आया हूँ 8 दिन पहले 750 का पेट्रोल डलवाया है तो मुश्किल से गेलेवाल घर पहुँचाओ मुल्तान से गेलेवाल। ठीक है, आपने मुल्तान के बेबस शहरियों के जज्बात सुने होंगे, उनका भी यही कहना था कि मुल्तान की जो आवाम है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है शदीद परेशान है, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है जेबें काटी जाती हैं, रश होता है, धक्कम पेल है, लेकिन 20 रुपए में सफ़र करने पर जो है मजबूर है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस कदर बढ़ चुकी है। उन्होंने जो है अपनी मोटरसाइकिलें घर पर खड़ी कर दी हैं और मजबूरन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं।